नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। नमस्ते। हाफ पैंट की फुल तमन्ना है, एकदम ही रैंप वॉकिंग के लिए आतुर, मिनिमम क्लोथ्स, एक्सपोजिंग। अबे क्यों हो रहा है इतना अश्लील? अश्लील ने, सुशील। सुशील नाम है हमारा। सुशील शर्मीले, मारे शर्म के। हमें ना FIR लिखवानी है। तो भाई क्या हुआ? किसी ने तुम्हारे कपड़े चुरा लिए? नहीं, चुरा नहीं लिए, उतार लिए, मारे शर्म के। देखो यार, जो कुछ कहना है जरा मैडम को खुल के कह दो। वैसे इससे ज्यादा और क्या खुलोगे तुम? वैसे हमारी मैडम जितनी समझदार दिखती है ना, उतनी समझदार है नहीं। मेरा मतलब है मैडम के उससे कई ज्यादा समझदार हैं। और अगर हमारी मैडम को गुस्सा आ गया ना, तो एक नंबर की चंडालिनी, मेरा मतलब है कि एक नंबर की दरिंदी, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है यार। तुम बोलो ना। अरे गुस्सा तो हमें भी उन पर बहुत आ रहा है जिन्होंने हमारे कपड़े उतार लिए, मारे शर्म के। अबे ऐसा कौन सा कांड कराया तू न जिसकी वजह से लोगों ने चीर हरण कर लिया थारा? नहीं मैडम, हमने ऐसा कोई कांड नहीं किया, मारे शर्म के। अरे हम तो सिर्फ सब्जी मंडी से सब्जी खरीद के आ रहे थे, मारे शर्म के। आज है ना, टुइया ने हमें गुइया लाने के लिए कहा था, मारे शर्म के। ओहो महाराज, ये टुइया कौन है जिसके लिए गुइया खरीद रहे थे? टुइया जो है ना, वो हमारी वाइफ का नाम है, मारे शर्म के। तो उन्होंने कहा कि गुइया लेके आओ, तो हम टिमर कंट्रोलर सब्जी मंडी से गुइया खरीद के आ रहे थे। तो जैसे हम हमारे बिल्डिंग के नीचे पहुंचे ना, तो हमें सुनील गावस्कर मिल गए, मारे शर्म के। क्या कहा तुमने? सुनील गावस्कर? अरे यार, मैं सुनील गावस्कर का बहुत बड़ा फैन हूँ यार। मुझे एक बार मिला दो कि सुनील गावस्कर थे, एक बार। अरे उन दोनों के खिलाफ तो हमें FIR लिखवानी है, मारे शर्म के। दोनों कौन दोनों? अरे सुनील और गावस्कर, ये दोनों लड़के हैं ना, हमारी बिल्डिंग के छठे हुए बदमाश है। हमेशा ना बिल्डिंग के नीचे खेलते रहते हैं। हाँ, तो जब हम सब्जी मंडी से सब्जी लेके लौटे ना, तो दोनों ने हमें जबरदस्ती घसीट लिया और हमारे साथ खो खो खेलने लगे, मारे शर्म के। और हमारे कपड़े उतार लिए, कहने लगे कि जो स्पोर्ट्समैन होता है ना, वो कपड़े नहीं पहनता, मतलब कि पैंट और शर्ट नहीं पहनता, मारे शर्म के। अबे कौन हो रहे हैं यो दो खिलाड़ी एकदम बदमाश, जो ऐसा है लोगों को जो है टीम में सिलेक्ट करवा रहे, अपनी में गेम्स खिलवा रहे? बुलवा सालों ने। ₹40 किलो हैं। हाँ, खाओगे? अब जी मैडम बोलिए, आपने बुलाया, हम लोग आ गए खेल खेल में। हाँ मैडम, आप बताइए कि आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया? कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। ओ सुनील एंड गावस्कर, नहीं इस आदमी ने पहचान रहे हो दोनों? कौन हो रहा है हो? अरे ये तो सुशील शर्मीले हैं। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। मैडम ये वही अंकल है जिन्होंने हमारे साथ खो खो खेला था मैडम। आपको एक बात बताएं मैडम, हमने खो खो में इनको इतनी बुरी तरह हराया मैडम, क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ना तो अपना लब इस पे क्यों जाहिर कर रहे हो साले पे फालतू में, है ना? इसको क्यों खींच लिया, अपने साथ खिलवा लिया? अब खिलवाया तो खिलवाया, इसके कपड़े क्यों उतरवा लिए यार? देखिए मैडम, हमने इनके साथ कोई भी जबरदस्ती नहीं की, कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। देखिए मैडम, हम लोग खो खो खेल रहे थे ऐसे। एक मिनट अंकल, पकड़ना यूं यूं। सॉरी, थैंक यू अंकल। ज्यादा एक्शन करने की जरूरत ना है, वरना हमारे रिएक्शन पे एनकाउंटर हो जाते हैं यहीं खो खो खेलते हुए। अरे मैडम हुआ ये खुद खो खो कहते हुए आ गए, तो हमने सोचा ये खो खो खेलना चाहते हैं, इसलिए हमने इन्हें खो खो खिला दिया। आफ्टर ऑल वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। Give me 5. Yeah, come on. Yeah. एक मिनट. ये क्या कह रहे हैं यार? तुम तो कह रहे थे इन्होंने जबरदस्ती तुम्हें खो-खो खिलवाया, जबकि ये कह रहे हैं कि तुम खुद खो-खो कहते हुए इनके पास गए हैं? नहीं, एक्चुअली बात ये हुई कि हम वो खो-खो नहीं कर रहे थे मारे शर्म के। तो कौन सा बड़ा खो-खो कर रहे थे मारे शर्म के? मैडम बात यह है कि हमें ना मूंगफली खा रहे थे, तो अचानक है ना मूंगफली का छिलका हमारे गले में अटक गया, इसलिए हमें खांसी आ गई, इसलिए हम खा माने खो ऐसा कर रहे थे। तो ये समझे कि हम खो खो खेल की बात कर रहे हैं मारे शर्म के, इसलिए हमारे कपड़े उतार लिए और हमें खेल खिलवा दिया। अब आप ही बताइए मैडम, इसमें इनकी गलती है या हमारी? कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? हाँ गाँव। देखिए मैडम, एक मिनट, ये पकड़िए। ठीक है मैडम, हम इस अंकल जी से इस बार सॉरी बोल देते हैं। सॉरी अंकल। थैंक यू भैया। ऐसा है, मैंने तो यो दिखा है कि इस केस में जो है ना कुछ कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब कंफ्यूज्ड हैं सारे लोग। और तू कतई जरा सिकनी बात पे जो है ना रोते हुए चौकी में आ गया एकदम ही। ऐसा ही ने माफ करो, हंसी हंसी तीनों घर को जाओ अपने। जी मैडम। ठीक है मैडम, अगर आप कहती है तो हम इन्हें माफ कर देते मारे शर्म के। चाचा स्कोर क्या हुआ है? 120। कौन सा स्कोर है? खड़ा तेरा आ गई मेरी बर्बाद बस के सहारे। अरे चंद्रमुखी जी आप अच्छा हो गया आप आ गए यहाँ। चंद्रमुखी जी बताइए, स्पोर्ट्स में आपकी रुचि है क्या? घनी रुचि से। मैं जानता था, मैंने देखा इनफैक्ट अभी वो जो दो बंदे आए थे कच्चे में, स्पोर्ट्स लवर टाइप्स देखते ही मैं भाप गया कि आप भी स्पोर्ट्स लवर हो। ऐसा बेटा फैक्ट क्या है चंद्रमुखी जी, मैंने आपको बताना भूल गया कि मैं मतलब ये राज आर्यन, मैं ओलंपिक्स में भाग ले चुका हूँ। ओलंपिक्स में? या किस खेल में? पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस, डब्बा आइस पाइस, ऊंच नीच का पापड़ा, डॉक्टर सांप सीढ़ी में तो पीएचडी की है मैंने। मैं गांव में एक बार सांप सीढ़ी खेला था सांप के साथ, है ना, तो सांप मेरे पीछे भागने लगा, मैं अचानक डर के मारे मैं सीढ़ी पे चढ़ गया ऐसे, तो सांप जो था वो मुझे देखा, मैंने सांप को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने सांप को किया, सांप मुझे टाटा करके चला गया। सर जहाँ तक हमारी नॉलेज जो है ना दौड़े तो यो खेल सांप सीढ़ी और पकड़ा पकड़ी, चोर पुलिस और ऊंच नीच का पापड़ा टाइप जो गेम्स है ना ओलंपिक्स में ना होवे। अच्छा अंकल, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, आप मुझे जरा सा भी पसंद नहीं करते हो ना? गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी गुड क्वेश्चन। आज तूने पूछ ही लिया है तो सुन ले, तू मुझे बहुत तंग करता है इसलिए मैं तुझे पसंद नहीं करता, बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आई एम सॉरी अंकल, मैं जानता हूँ मैंने आपको बहुत तंग किया है, लेकिन मुझे एक बच्चे के तौर पे माफ कर दीजिए। अरे बेटा ऐसे कैसे कह रहा है यार, मैं मतलब तंग किया, मतलब इतना भी तंग नहीं किया यार बेटा। जब मैं तेरी उम्र का था ना तो मैं भी बहुत मस्ती करता था, बहुत नॉटी था मैं। अरे होते हैं यार बच्चे, तो नॉटी होते हैं यार। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, तू जा खेल। थैंक यू अंकल, बाय बाय बेटा बाय। प्यारा बच्चा है। नहीं, ये ड्रेस तो बन गई इसके लिए परमानेंट, तभी तो देखो ना ये फिर आ गया है विदाउट पैंट। ओके बाय। Hey, come on, pass! Yeah. Give me five! Yeah. Come on, pass! Come on, carry! Go! Yeah. Give me five! फिर से आ गए हो ना, चौकी को जो है साफ करवा के मेजे वेजे हटवा के यहाँ तुम्हारे लिए प्ले ग्राउंड बनवा दे। क्यों बे सुशील, लीप क्या हो गया? वही जो पहले हुआ था मारे शर्म के। मैडम इन्होंने फिर से हमारे कपड़े उतरवा लिए और फिर से जबरदस्ती खिलाया मारे शर्म के। क्या बात कर रहे हो यार, फिर से खो-खो? नहीं, इस बार गिल्ली डंडा मारे शर्म के। हाय वो कैसे यार? अरे वो ऐसे कि आज ना हमारी टूइया यानी कि हमारी वाइफ ने ऐसे कहा कि आज ना उनका दही में खीरा काट के खाने का दिल चाह रहा है, तो उन्होंने कहा कि जाओ बाजार से खीरा लेके आओ। तो हम खीरा लेके आए और बिल्डिंग में जैसे नीचे पहुंचे तो इन्होंने है ना हमें जबरदस्ती घसीट लिया और खिलाया गिल्ली डंडा मारे शर्म के। अबे ये तुम्हारा लक्की चार्म हो रहा है हर बार घसीट ले वो क्यों घसीट लिया इसे फिर से। मैडम इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है कसम स्पोर्ट्स की। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। मैडम दरअसल हुआ ये कि हम दोनों गिल्ली डंडा खेल रहे थे बिकॉज वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके। और ये दूसरी तरफ से खीरा उछालते हुए आ रहे थे और जैसे हम अपने डंडे से गिल्ली को मारने वाले थे कि इन्होंने खीरा उछालकर हमारी तरफ फेंका और हमने सोचा कि गिल्ली है और हमने डंडे से मार दिया खेल खेल में। क्यों गावस्कर? हाँ सुनील। अब मैडम हमें लगा कि ये गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं इसलिए हमने इन्हें गिल्ली डंडा खिला दिया। ओह बैड लक के देवता, सही कह रहे हो मैडम। ऐसा हुआ ना कि आज है ना हम बहुत खुश थे तो हम है ना वो खीरा है ना वो उछाल उछाल कर लेके आ रहे थे तो अचानक उछल के खीरा है ना इनके पास गिर गया तो ये समझे कि हम गिल्ली डंडा खेलना चाहते हैं तो इन्होंने हमें घसीट लिया और गिल्ली डंडा खिलवा दिया मारे शर्म के। भाई ऐसा है मैंने दिखे कि एक बार फिर से जो है ना कुछ कंफ्यूजन टाइप चीज होगी इस केस में। अबे तू सुशील, अबे तू जो है घर से उस वक्त क्यों निकला करे जो इनके जो है खेलने का टाइम हो गया लॉन्डो का। मैडम गुड सजेशन, लेकिन हम कब बाहर निकले? हाय अरे ये लोग है ना 2400 घंटे नीचे खेलते रहते मारे शर्म के। हाँ क्योंकि वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। क्यों सुनील? यू आर राइट गावस्कर। अब पकड़ ठीक है मैडम, इस बार फिर हम इनसे माफी मांग लेते हैं। सॉरी अंकल। गिव मी फाइव। चलो अब ठीक है माफी मांग रहे हैं दोनों तो माफ कर दीजिए बस, अब खत्म कीजिए चलिए। हाँ काके बच्चे हम माफ कर दे यार। नहीं करेंगे कहा ना। हुई 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 हुई। अबे ओ ज्यादा ही जो एकदम रिवेंज वाली इच्छाधारी नागिन होने की कोई जरूरत ना है ना, आधी गलती थारी भी हो रही है माफ कर इन्हें। ठीक है मैडम अगर आप कह रही तो हम इन्हें माफ कर देते हैं लेकिन इनसे कहिए कि फिर से ऐसा ना करे मारे शर्म के। हाँ भाई लवर्स जी, स्पोर्ट्स लवर्स। ओह भाई इस आदमी को आगे से कभी भी देखो तो जस्ट अवॉइड हिम, इग्नोर मारो साले को क्योंकि आगे से बेटा कंप्लेंट आ गई ना तुम दोनों की तो स्टंप सारे उखाड़ दूंगी, बास्केट तोड़ दूंगी, बैट हलक में ठूस दूंगी मैं। निकला यहाँ से। ठीक है मैडम लास्ट बास्केट। एक मिनट आप बुढ़ाओ स्कोर क्या हुआ है? हाँ तेरी सॉरी वो अच्छा नाचती है ये। मैं भी सोचा साथ में मैं भी थोड़ा सा हिल लूं, यू नो कार्डियो हो जाता है उससे, कार्डियो ब्रीदिंग के लिए इट्स गुड एरोबिक्स। मैडम मामला हो रहा है अश्लील, देखो ना फिर आ गया हाफ पैंट में सुशील। ओके बाय। अबे क्या हो गया फिर से आ गए? और यो चोट कैसे लगी है मुंह पे, कहां से पिट के आ रहा है तू? अरे इन दोनों की वजह से मैडम मारे शर्म के। मैडम आपके कहने के अनुसार हमने इन दोनों को माफ कर दिया मारे शर्म के। अब हुआ ये कि हम हमारी वाइफ टूया के साथ कहीं पे जा रहे थे तो रास्ते में दोनों कबड्डी खेल रहे थे। जैसे इन्होंने हमको देखा ना तो फौरन मैदान में घसीट लिया, कपड़े उतरवा दिए और कबड्डी खिला दी मारे शर्म के। भाई ऐसा गेंडे की खाल ओढ़ के घूम रहे हो क्या आजकल? है समझ ना आ रही बात है, एक बार में प्यार से कहें तो क्यों खिलवा रहे हो इसको जबरदस्ती प्रतिदिन? अरे जबरदस्ती कहाँ मैडम, कसम स्पोर्ट्स की। मैडम हुआ ये कि ये अपनी पत्नी के साथ आ रहे थे और हम वहां रास्ते में कबड्डी खेल रहे थे और मैडम इन्होंने खुद जोर जोर से कहा है कबड्डी 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 कबड्डी। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। और मैडम हमें लगा कि ये हमारे साथ कबड्डी खेलना चाहते इसलिए हमने इन्हें गेम में शामिल कर लिया खेल खेल में। क्यों भाई सुशील तुमने कहा था कबड्डी कबड्डी? हाँ हाँ बोला था कबड्डी कबड्डी लेकिन कबड्डी खेलने के लिए नहीं कहा था मारे शर्म के। एक्चुअली हुआ ये मैडम के हम टूया के साथ जा रहे थे ना तो टूया ने हमसे पूछा कि ये लोग क्या खेल रहे तो हमने कहा कि कबड्डी खेल रहे। अब क्या कहती है, जरा ऊंचा सुनती है ना, तो हमने सबके सामने जोर जोर से उसे समझाया कि अरे कबड्डी 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 मारे शर्म के। मैडम आप कई इसके घर के आसपास आगे से खेलते हुए नजर आ गए तो हाथ पैर तोड़ के हलक में घुसेड़ दूंगी सालों के। वी आर लवर्स, स्पोर्ट्स लवर्स। ओके मैडम आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मैडम खेल खेलना कोई जुर्म नहीं है और वो जगह सार्वजनिक है। तो सुनील हाँ गावस्कर, और मैडम वैसे भी आप क्या जानेंगी स्पोर्ट्स क्या होता है, आप हमें कहीं भी खेलने से रोक नहीं सकती। एक मिनट पकड़िए। ठीक है मैडम, थैंक यू। हम आपको चैलेंज करते हैं मैडम, अगर आपकी टीम हमारी टीम को कबड्डी में हरा देगी तो हम वहां खेलना बंद कर देंगे खेल खेल में। और अगर हार गई आप तो बस फिर आप हमें खेल खेलने से कभी नहीं रोक सकती, लाइफ टाइम। अगर दम है तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। क्यों सुनील? हाँ गावस्कर। क्यों अब क्या हुआ? डर गई? गिव मी फाइव। मैडम बस बस बहुत हो गया मैडम, चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। ये हमें चैलेंज कर रहे हैं हमें, अरे छक्के छुड़ा देंगे इन लोगों के हम। हम है ना मैडम, कसम मैनू पंजाब दी मिट्टी दी फटे चक देंगे। वैसे चंद्रमुखी जी मैं आपको ये बताना भूल गया कि कबड्डी में ओलंपिक्स में मैंने गोल्ड मेडल जीता है। कल आ जाना चौकी में, कल होगा यहाँ कबड्डी का मैच। ओके चलो गावस्कर, एक मिनट, हमने तो इनकी टीम देख ली है, अब इन्हें भी हमारी टीम दिखा देते हैं खेल खेल में। Yes, why not? पप्पू गुड्डू और टिंकू come inside. पप्पू गुड्डू और टिंकू की टीम बनाई है तुमने। काम कर राजू पपलू टिपलू इनको भी बुला। पप्पू आइए आइए, गुड्डू Jingle. Ah! मन्ने यो चैलेंज मंजूर से, हमारी टीम यो मैच खेलेगी।